कि एक जगह है मुस्तफाबाद, उस मुस्तफाबाद में एक अस्पताल है अल हिंद अस्पताल। उस अस्पताल में लोगों को लेकर जाया जा रहा था तो रात के वक्त, फिकल रात की बात है, रात के वक्त एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस एम्बुलेंस को रोक रही थी। दिल्ली की पुलिस अब पुलिस नहीं लगती है, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के गुंडे लगते हो। रात के 12 बजे कुछ लोगों को अदालत जाना पड़ा, अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े, अदालत को खुलवाना पड़ा, अदालत से आदेश करना पड़ा कि ए जालिमों, काश सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं तो एम्बुलेंस जाने दो। जब तक अदालत ने निर्देश नहीं दिए तो दिल्ली की पुलिस एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रही थी। और दिल्ली की जो सरकार बैठी हुई है, जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है, वो पिछले 3 दिन से हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 3 दिन से वो स्वागत में लगे हुए थे अपने दोस्त और दूसरे नमूना, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमूना है डोनाल्ड ट्रंप, उनके स्वागत में लगे हुए थे। उनके पास वक्त नहीं था, देश के लोगों के लिए वक्त नहीं था, दिल्ली के लोगों के लिए वक्त नहीं था, दिल्ली के मुसलमानों के लिए वक्त नहीं था कि उनके लिए दो शब्द भी बोल दे। डोनाल्ड ट्रंप तो शाहजहां के ताजमहल दिखाने लेके गए थे। वो ताजमहल जिसको मोहब्बत का मकबरा बोला जाता है, जिसको मोहब्बत के लिए याद किया जाता है, उसी शाहजहां का जो ताजमहल है, उसी शाहजहां की दिल्ली भी है और दिल्ली का नाम शाहजहां बाद भी होता है। एक तरफ तुम उस मोहब्बत के मकबरे में डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहे हो और उस शाहजहां की दिल्ली के अंदर मोहब्बत को खत्म कर रहे हो, नफरतें बढ़ा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास अपना मुंह दिखाने के लिए हिम्मत नहीं बचनी चाहिए। आज 4 दिन बाद उनकी तरफ से एक बयान आया, छोटा सा बयान आया कि मैं बहुत परेशान हूं, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूं। दिल्ली में जो कुछ होना था वो तो हो चुका। जब दिल्ली में कुछ कुछ हो रहा था और सब कुछ काम किया जा रहा था, जब आपके नेता आके वहां दंगा भड़का रहे थे, उस समय तो आपका मुंह नहीं खुला। और मुझे याद आता है मैं बहुत छोटा था, जो बुजुर्ग है उनको और भी ज्यादा याद होगा, जब 2002 में कतलेआम गुजरात में हुआ था, वहां भी इस इंसान का ऐसा ही कुछ रवैया था। पहले 2 दिन कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, कहीं जगह जाकर रोका नहीं जा रहा था और खुलेआम गुजरात के अंदर कतलेआम हो रहा था। बोला जाता था 2014 से पहले कि गुजरात के मॉडल को देश में लाना है, यही वो गुजरात का मॉडल है जो पिछले 3 दिन से हमको दिल्ली के अंदर दिख रहा है। यही गुजरात की सच्चाई है, गुजरात का कोई विकास नहीं हुआ, देश का कोई विकास नहीं हुआ। यह इंसान विकास करने नहीं आया था, यह इंसान विकास पुरुष नहीं है, यह इंसान विनाश करने आया था, इंसान विनाश पुरुष है। जो लोग दंगा भड़का रहे थे, जो लोग दंगा भड़काने के भाषण दे रहे थे, अभी यहां दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेता है, वो आके बोलते हैं कि 3 दिन का समय ले रहा हूं, दिल्ली पुलिस साइड में खड़ी है, वो 3 दिन का समय ले रहा हूं, अगर खाली नहीं करवाया तो सड़कें हम खाली करवा देंगे, हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। दिल्ली का चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान एक नेता जाके बोला कि ये लोग गद्दार हैं, इनको गोली मारो। और अब उनके जो भाषण थे, आज वो जमीन पर हरकतें शुरू हो गई, आज वो गोलियां मारना शुरू कर दिए हैं, आज वो दंगा करना शुरू कर दिए हैं और उन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। आज दिल्ली के हाईकोर्ट में बात आई, दिल्ली के हाईकोर्ट में कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपने अभी तक कपिल मिश्रा पे कोई एफआईआर क्यों नहीं करी है, आपने अभी तक अनुराग ठाकुर ने जिन्होंने बोले थे गोली मारो उन पे कोई एफआईआर क्यों नहीं करी है, आपने अभी तक परवेश वर्मा पे कोई एफआईआर क्यों नहीं करी है। तो जानते हैं दिल्ली पुलिस ने क्या बोला? दिल्ली पुलिस ने बोला हमने वो बयान सुना नहीं है, आज वो भाषण हमने सुना नहीं है। आज जो भाषण सुबह शाम रात टीवी पर दिखाया गया,
जो भाषण सोशल मीडिया में घुमाया गया, दिल्ली पुलिस क्या बोल रही है, कोर्ट को, कि हमने वो भाषण सुना नहीं, कोर्ट ने वो भाषण कोर्ट के अंदर चलाया और आदेश दिया कि इन तीन नेताओं को तुम मुकदमा करो। लेकिन जब दिल्ली पुलिस बोलती है हमने भाषण सुना नहीं, तो दिल्ली पुलिस अरे कोर्ट में क्या संदेश दे रही है, अरे कोर्ट में संदेश दे रही है कि हम इनके साथ है, हमारे हाथ इनसे मिले हुए हैं, हमें ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है, हम दंगाइयों के साथ है, हम दंगा के बाद में मदद कर रहे हैं और इस बात पे कोई शर्म नहीं है। वो बेशर्मी पुलिस कोर्ट को जाहिर कर रही है। अभी पिछले कुछ महीने में आप दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, ये दंगा चल रहा है, दिल्ली पुलिस रोकने का काम नहीं कर रही है, वीडियो सामने है, पत्थर उठा उठा के पुलिस मार रही है, पत्थर उठा उठा के पुलिस दे रही है दंगाइयों को कि तुम मारो,